Ms. Yusra Ijaz. Today we are completed our exercise number 4.3, question number 4, simplify. Iska fifth part hai, square root of x plus square root of y into square root of x minus square root of y into x plus y and x square plus y square. तो अगर सोल्यूशन में सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन एज इट इज लिख लेंगे. नेक्स्ट अगर आप देखें, ये आपके पास कंडीशन आ रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. जब भी a प्लस बी एंड a माइनस बी हो, यानी दो टर्म सेम हो, जस्ट प्लस और माइनस के साइन का डिफरेंस आ रहा हो, तो आप उसको ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि ये आपका सेपरेट स्क्वेयर रूट का फॉर्मूला है. सेपरेट स्क्वेयर के फॉर्मूले में स्क्वेयर रूट ऑफ x का स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ y का स्क्वेयर, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आपका एज इट इज आ जाएगा. स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, x माइनस. यहां से भी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मीनिंग बच गया आपके पास, y. ऊपर वाली दोनों टर्म्स एज इट इज आपने लिख ली. अब नेक्स्ट आपका पेयर बन रहा है x माइनस वाई एंड x प्लस वाई का. यहाँ पे भी आपका सेपरेट स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, x स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर. नेक्स्ट आपकी रिमेनिंग थर्ड वन जो आपकी टर्म थी वो एज इट इज आ जाएगी, x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर. अब अगेन यहाँ पे सेपरेट स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, x स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर का स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर एक दफा माइनस में है और एक दफा प्लस में, तो यहाँ से पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो आ जाएगा x की पावर 4 माइनस y की पावर 4. नेक्स्ट आपकी स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइज नंबर 4.4. क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. लाइक आपने थर्ड चैप्टर में आयोटा वाले चैप्टर में जैसे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया था, सेम वैसे यहाँ पे करेंगे. अपना सॉल्यूशन में क्वेश्चन लिखा 1/3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट की टर्म को खत्म करना है. रैशनलाइज का क्या मतलब है कि आपने डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट की टर्म को खत्म करना है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं. जो टर्म आपके पास डिनोमिनेटर में होती है एज इट इज, उससे जस्ट स्क्वायर रूट वाली टर्म का आप साइन चेंज कर देते हैं. लाइक यहाँ पे था 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 से, और जिस टर्म से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी टर्म से आप डिवाइड कर देंगे. ऊपर वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, मीन न्यूमिनेटर इस न्यूमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो एज इट इज आ जाएगा. डिनोमिनेटर में एक दफा ये प्लस में लिखी हुई टर्म्स, एक दफा माइनस में, आप क्या कह देंगे, यहाँ से क्या बन रहा है, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर. 3 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज, 3 का स्क्वायर क्या रहता है 9, माइनस 2 का स्क्वायर 4, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा इस स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा 5. नेक्स्ट 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 20, 20 में से 9 माइनस कर दें, तो माइनस का आपके पास 11 आएगा, और ऊपर वाली टर्म आपकी एज इट इज रहेगी, क्योंकि उसको आप मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, एक आपकी स्क्वायर रूट वाली और एक विदाउट स्क्वायर की है. नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3, इफ एक्स इज इक्वल टू 2 - √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x. आपको एक्स की वैल्यू गिवन है, आपने 1/x की वैल्यू निकाल दी. सॉल्यूशन में जो चीज आपको गिवन होती है आप सबसे पहले वो लिखते हैं. लाइक x इज इक्वल टू 2 - √3, आपने फाइंड आउट क्या करना है, 1/x. मींस अगर ऊपर 1 है नीचे x की वैल्यू आप लिख देंगे तो क्या बन जाएगी, 1/2 - √3. अब आपने इसको यहीं पे नहीं छोड़ देना कि ये 1/x की वैल्यू होगी, आपने इसको रैशनलाइज करना है, क्योंकि हमें x की जो भी आंसर चाहिए हो, चाहे वो x का हो या 1/x का, उसके डिवाइड में डिनोमिनेटर में आपका स्क्वायर रूट की टर्म नहीं होनी चाहिए. इसको रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पे 2 - √3 था, आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 + √3 एंड डिवाइड कर देंगे 2 + √3 से. यहाँ से 2 + √3 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज आ जाएगा. डिनोमिनेटर में बन जाएगा 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर. ऊपर की टर्म एज इट इज 2 का स्क्वायर 4 - √ स्क्वायर से कैंसिल आउट होकर 3, 4 में से 3 माइनस कर दें 1, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 2 + √3. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो आप बुक पे सॉल्व करेंगे, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ x + √y. जैसे आप आयोटा का